स्लीप डिवोर्स या नींद में तलाक लेना या नींद के लिए तलाक लेना, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या ये सही है कि आपके पत्नी के साथ में या पति के साथ में सोते नहीं हैं या अलग अलग सोते हैं तो आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है? तो इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। क्या है कि स्लीप डिवोर्स, इसका मतलब ये होता है कि आप आपके पार्टनर के साथ में सेम बेड शेयर नहीं कर रहे, मतलब दोनों बेड जो है वो एक दूसरे को चिपक के नहीं है, या एक बड़ा बेड नहीं है कि जिसके ऊपर दोनों सो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग सो रहे, दूरी से सो रहे, या अलग अलग कमरे में सो रहे। तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है, अलग अलग सोने की जरूरत क्या है? तो अलग अलग सोने की जरूरत इसलिए है कि प्रॉब्लम ऐसा होता है कि यदि कोई पार्टनर को कुछ तकलीफ है, पार्टनर को कुछ तकलीफ है, जैसा कि पार्टनर आपका खर्राटे मारता है या मारती है, बेचैनी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, मतलब पैर ऐसे झटके मारना, रात को नींद नहीं आती, झटके मार रहा है पैर, तो उसको बोलते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। पार्टनर को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, डायबिटीज़ है तो उठना पड़ता है, फिर लाइट लगता है, आवाज आता है, तो वो प्रॉब्लम है। दोनों के सोने के टाइम अलग अलग है, दोनों के उठने के टाइम अलग अलग है, तो अलार्म लगा के रखते हैं तो फिर दूसरे को उठना पड़ता है, अलार्म लग गया जल्दी का। तो पार्टनर को फ़ोन आता है रात में, तो फिर ये जब सब होता है, या पार्टनर रात में पढ़ाई कर रहा है, किताब पढ़ रहा है और फिर लाइट चालू है इसलिए तुमको नींद नहीं आ रही, या पार्टनर को नींद नहीं आ रही है जल्दी, तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जिसके वजह से दूसरे पार्टनर की नींद अफेक्ट हो जाती है। और दूसरे पार्टनर की नींद अफेक्ट हो जाती है तो फिर वो अलग अलग सोना ही ठीक है, यदि ऐसा होता है तो। 1000 लोगों की स्टडी की गई, एक उसमें ऐसा पाया गया कि जिनको मतलब प्रॉब्लम था सोने का, तो उनकी स्टडी की गई और उन्होंने ये बताया कि 1000 लोगों में 75% लोगों को सेक्स का भी प्रॉब्लम था और नींद का भी प्रॉब्लम था, 75% लोगों को, और वो पार्टनर के वजह से था, उनको नींद ठीक नहीं आ रही थी। एक सर्वे में पाया गया है कि 10% लोग, पति पत्नी अलग अलग सोते हैं, 10% हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं। एक 2012 का सर्वे है, 2017 का सर्वे है, उसमें ये पाया गया कि 4 में से 1 मतलब 25% कपल्स जो है, पति पत्नी, वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है वैसे देखा जाए तो ये क्योंकि क्या है कि देखो, आदमी को 7 घंटे 8 घंटे नींद की जरूरत है, और उसमें भी REM स्लीप आना चाहिए, NREM स्लीप आना चाहिए। नींद में होता क्या है कि थॉट जो है वो बराबर रीअरेंज किए जाते हैं, मेमोरीज रीअरेंज की जाती है, रीजनरेशन होता है सेल्स का, बॉडी पार्ट्स का, तब सुबह उठने का थकान दूर हो जाती है। तो REM नॉन REM स्लीप जो है वो भी स्लीप बराबर आना चाहिए, 7-8 घंटे की नींद होना चाहिए। यदि पार्टनर को प्रॉब्लम है और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी नींद ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसका असर दिन में होता है, फिर दिन में चिड़चिड़ापन। और सेक्स और नींद ये बहुत वैसे कनेक्टेड है, वो कैसा मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि सेक्स वही बेड पर होता है जहाँ सोते हैं, तो एक में प्रॉब्लम है दूसरे में प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन का कंडीशनिंग वैसा होता है, नंबर एक। नंबर 2 स्ट्रेस है, समझो तनाव है, दिमाग के ऊपर तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, तो नींद भी नहीं आती और सेक्स भी नहीं होता है, कनेक्टेड है। मेनोपॉज है समझो, औरत को जैसा महावारी बंद हो गई है, और उससे क्या होता है कि हॉट फ्लशेस आना, नींद नहीं आना, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये होता है पार्टनर को, लेडी को, और उसका सेक्स का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, मतलब फिर रिलेशनशिप है। फिर किसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और उसके वजह से नींद नहीं आ रही, तो उसके वजह से मतलब ऐसा नींद में एकदम सांस लेते रहते, सांस रुक जाना, और देखने वाले को लगता है कि मर गया क्या, मतलब क्या हुआ भाई, सांस नहीं ले रहा है, कुछ समय के लिए सांस ही बंद हो जाता है और फिर जोर से सांस ले लेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो उसके वजह से सेक्स के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, नींद के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे स्लीप और सेक्स कनेक्टेड है। तो इसलिए स्लीप अच्छी होना जरूरी है, और स्लीप अच्छी होती है तो सेक्स अच्छा हो जाएगा, स्लीप अच्छी नहीं है तो सेक्स नहीं होगा। दिन भर ऐसा लगेगा कि भाई नींद जैसी आ रही है, आंखों के ऊपर नींद आ रही है, और फिर चिड़चिड़ापन है,
काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फिर दिन में आ सकते हैं। अभी उसके सोशल इम्पैक्ट भी है, कैसा कि भाई पति पत्नी साथ में नहीं सो रही है तो लोगों को लोग क्या लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे, ऐसा भी किसको लगता है। बच्चों के ऊपर बुरा असर होगा, बच्चों को क्या लगेगा वो अलग अलग सो रहे हैं तो, कि भाई उनका पट्टा नहीं किया, माँ बाप कट्टा नहीं किया, वो झगड़ा कर रहे हैं क्या, मतलब ऐसा क्यों है कि वो अलग अलग सो रहे हैं। तो जब पति पत्नी अलग अलग सोते हैं तो उन्होंने सबको क्लियरली बोलना जरूरी है, सबको विश्वास में लेना है और बोलना है कि नहीं हम अलग अलग सो रहे क्योंकि अपने पार्टनर को ये प्रॉब्लम है। साथ में सोने का फायदा सेक्स के ऊपर पाया गया, वो कहता है कि जो लोग साथ में सोते हैं पति पत्नी तो उनको जल्दी स्लीप आती है, नींद जल्दी आ जाती है। सेक्स करने के बाद में सेक्स एज ए सेडेटिव, मतलब सेक्स किया तो जल्दी नींद आती है, सेक्स नहीं किया तभी भी जल्दी नींद आती है। साथ में सोते हैं तो एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि रात में कोई तो भी है अपने पास में। क्वालिटी जो है नींद की वो अच्छी होती है यदि साथ में कोई तो भी है तो वो इंडक्शन मतलब स्लीप जल्दी लगना, क्वालिटी अच्छी होना, सुबह जल्दी फ्रेश उठना, ये सब साथ में सोते तो होता है और उसका असर सेक्स के भी होता है। सेक्स अच्छा हुआ तो नींद भी अच्छी आती है। तो सेक्स और स्लीप ये इंटरकनेक्टेड है। साथ में सोना कभी भी अच्छा है, मगर साथ में सोने में यदि प्रॉब्लम है उसके वजह से नींद नहीं आ रही है और फिर नींद नहीं आ रही करके सेक्स के में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली ट्राई करना है। साथ में सोने का नहीं होता है तो अलग सोना उसका जवाब है। अलग सो जाओ और मजे करो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।